फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स क्लास 12th. हेयर आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी आर रीडिंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th. द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड. तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने पिछले के 5-6 वीडियोज कंप्लीट कर लिए. ओके, और उन वीडियोस के में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सियल लाइन पर रखा जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे काउंट करते हैं. फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करते हैं. उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल के जो इक्वेटोरियल लाइन होती है उस पर किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करते हैं. इट मीन्स कि हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के अलग अलग प्लेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट कर ली. ओके, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आप देख रहे हैं, ये जो हमने एक फील्ड जनरेट की है ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो देखिए एक दूसरे के पैरेलल बिल्कुल जा रही हैं, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो कुछ पॉजिटिव टू निगेटिव है. ओके, ये एक हमने सर्किट बना ली किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की. इसमें हम एक डायपोल रखेंगे और उस डायपोल पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको दिखाएंगे. तो सपोज दैट ये कोई पॉइंट है ए. ओके, क्लियर, विजिबल है ये. उसके बाद यहां से एक शॉर्ट डिस्टेंस पे स्टूडेंट्स, ये क्लियर है, शॉर्ट डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, 2L. 2L डिस्टेंस पे एक दूसरा कोई पॉइंट भी है. दोनों पे हम एक चार्जर रखते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर साइन अलग अलग हो. तो यहां पे हम रख लेते हैं सपोज दैट माइनस क्यू. यहाँ पे एक चार्ज रखते हैं कौन सा, माइनस क्यू, और यहाँ पे रख लेते हैं पॉजिटिव क्यू. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है. एक पॉइंट पे हमने रख लिया पॉजिटिव क्यू, दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव क्यू. तो एक हमारा डायपोल का कंस्ट्रक्शन मेंटेन हो गया. इस डायपोल को हमने कहाँ पे रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पे प्लस चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव करता है. तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले की तरफ. इधर देखिए हम पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं तो ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ये दोनों, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाला इस वाले पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो इसके थ्रू हम इस चार्ज पे और इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स देख सकते हैं. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर इस पे देखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स, पहले तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन में आपको ये वाला फार्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. अगर हम देखें कि द फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज तो ये हो जाएगा द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज विल बी एफ इज इक्वल टू, यहां से हम अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हैं तो एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई दिखा सकते हैं. ओके, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा इस पे, इस चार्ज पे प्लस क्यू चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है अगर उसको हम F1 मान लें, और माइनस क्यू चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है उसको F2 मान लें, तो प्लस क्यू पे लगने वाला चार्ज F1 इज इक्वल टू होगा Q इंटू E. ओके स्टूडेंट्स, क्यू मान ले क्यू. अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वही यहाँ भी होगी. ओके, तो ये हमारा बन गया ये फर्स्ट
वाले चार्ज पे आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखते हैं सेकेंड वाले चार्ज पे द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, तो ये भी होगा एफ टू इज इक्वल टू, चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, साइन हमने कहा है नहीं लेते हैं, केवल साइन से शो होता है कि डायरेक्शन क्या होगी, तो माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आ गया हमारा दूसरा। तो स्टूडेंट्स इस वाले चार्ज पे लगने वाला फोर्स हमने देख लिया और इस वाले चार्ज पे हमने लगने वाला फोर्स देख लिया। अब हम अगर बताएं कि इस पूरे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होगा हमारा वो कितना होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू, इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं कुछ ये वाली है इधर, ये डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है, ओके। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा एफ वन माइनस एफ टू, एफ वन की वैल्यू रखेंगे कितना है क्यू इंटू ई, और एफ टू के रखेंगे क्यू इंटू ई, ये नेट फोर्स कितना आ गया हमारा जीरो। तो ये आप पॉइंट याद कर लीजिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स होता है उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड में डायपोल पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो, ओके। और अगर फोर्स जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपने आप बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहेगी, ओके। तो ये पॉइंट स्टूडेंट क्लियर हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम अगला टॉपिक इसमें बताते हैं टॉर्क के बारे में, जो हमारी अगली हेडिंग है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स ये आप चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो नेट फोर्स होता है वो हमेशा कितना होता है, जीरो, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स ये वाला आप टॉपिक देख रहे थे टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक डाइपोल रखा है तो इस पर टॉर्क किस तरीके से वर्क करेगा। अभी तक हम फोर्स देख रहे थे, अब टॉर्क देखेंगे। तो टॉर्क का एक तरीके से मतलब होता क्या है, टॉर्क को हम हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण, उसकी डिफिनेशन आप देख सकते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। हमने देखा ये दोनों फोर्स क्या हैं, इक्वल हैं और अनलाइक हैं, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है। एक्ट ऑन अ बॉडी, ये डाइपोल पे एक्ट कर रहे हैं ना, टू डिफरेंट पॉइंट्स, दोनों के पॉइंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। देन इट फॉर्म अ टॉर्क, तो हम कहेंगे कि ये क्या फॉर्म करेंगे, टॉर्क। दो देखिए पैरेलल और अनइक्वल, दो इक्वल और अनलाइक फोर्सेस इस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अनलाइक मीन्स दोनों की डायरेक्शन अलग है और इक्वल मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, टॉर्क। कैसे, आप ये देख सकते हैं, ये आप मान लीजिए एक डाइपोल है, एक फोर्स इस पर वर्क कर रहा है, इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, मतलब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, लाइक दिस। अगर कोई यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये अगर एक डाइपोल है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा हो, तो ये हल्का सा रोटेशनल मोशन में आ जाएगा, इट मीन्स कि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू होता है दोनों में से कोई एक फोर्स और उन दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो यहां से अगर हम देखें तो डिस्टेंस हमको पता है 90 डिग्री पे होती है, यहां से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं 90 डिग्री पे, ओके। और ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमने बी पॉइंट माना हुआ था, इसको हम सी पॉइंट मान लें। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स एफ वन ले लेते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही है, और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस क्या है, बी सी, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारे पास फार्मूला आ गया टॉर्क निकालने का। फोर्स हमको पता ही है, इस पे लगने वाला फोर्स अभी हमने देखा था क्या था, क्यू इंटू ई,
तो ये हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू क्यू ई, और बी सी की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो ये हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम डॉट ले लेते हैं, बी सी की वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू, इसको हम एक मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग साइन ये हमको चाहिए परपेंडिकुलर, हमको पता है क्या हमारा हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर है, हमको चाहिए ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस इनके बीच की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हमारा बी सी, और हाइपोटेनियस कितना 2L, तो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2L इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L साइन थीटा, यहाँ पे बी सी की अगर हम वैल्यू रख दें तो हो जाएगा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये आइदर चार्ज इंटू द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको याद होगा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को शो करेगा, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू 2L शो करता है P को इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स अगर आपको मोशन वाला चैप्टर याद हो तो हमने वहाँ पे आपको क्रॉस और डॉट मल्टीप्लिकेशन बताया था कि A क्रॉस B इज इक्वल टू होता था ए बी साइन थीटा, और A डॉट B इज इक्वल टू होता था ए बी कॉस थीटा, याद है आपको, तो हम वहाँ पे देख रहे हैं कि हमको मिल गया है इस फॉर्म में कुछ पी ई साइन थीटा, वहाँ पे दिख रहा है ये आपको, ये देखिए पी ई साइन थीटा कुछ ऐसा दिख रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं क्या ए क्रॉस बी, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी, ये हमारा क्यों है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, ये हमारा टॉर्क का एग्जैक्ट फार्मूला आ गया, जहाँ पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया रहेगा तो हम टॉर्क इस तरीके से काउंट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर हम कुछ आपको स्पेशल नोट दिखाते हैं कि किस तरीके से और डाइपोल वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देख लिया टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, ओके पी क्रॉस ई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टॉर्क को हम टाउ से शो करते हैं, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्रॉस ई। ओके, अब आपको हम कुछ स्पेशल नोट दिखाते हैं ये डाइपोल की प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर ये डाइपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा हो इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड में, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पे हमारा जो टॉर्क आएगा वो किस तरीके से काउंट होगा, हमने आपको बताया टॉर्क इज इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा होगा मतलब ये डिग्री थीटा कितना बनाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 अगर परपेंडिकुलर रखा होगा पूरा डाइपोल, इफ डाइपोल इज इन परपेंडिकुलर कंडीशन, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन में है तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पी डॉट ई साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 पी इंटू ई इंटू 1, ये टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये 90 डिग्री पे रखा हो, और दूसरी कंडीशन है अगर ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिल्कुल पैरेलल रखा हो, मतलब ये इस तरीके से, तो उनके बीच में अगर ये ऐसे सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल इस तरीके से रख दिया गया, यहाँ पे आपका माइनस क्यों और ये आपका प्लस क्यों चार्ज हो गया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में कोई भी आपको वो नहीं दिखेगा एंगल, मतलब थीटा कितना हो जाएगा 0, और अगर बिल्कुल पैरेलल रखा हो तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 0 डिग्री, सॉरी थीटा 0 हो जाएगा व्हेन डाइपोल इज इन पैरेलल कंडीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा का पूरा कट के आ जाएगा 0,
इट मींस कि अगर पैरेलल रखा हो तो बिल्कुल जो टार्क होता है वो जीरो होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने देख लिया ये पॉइंट, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं इसी पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी सरफेस में चार्ज किस तरीके से कंटिन्यूअसली रूप से फ्लो करता है, किस तरीके से चार्ज उसमें फ्लो करता रहता है। लाइक पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक लेंथिकल अगर कोई बॉडी है उस पर किस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कोई अगर ऐसी बॉडी है जिसका एक सरफेस एरिया हो तो उस पर किस तरीके से चार्ज फ्लो करता है। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट मीन्स कि ऐसी कोई बॉडी जिसका जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों गिवन है वहाँ पर किस तरीके से हम निकालते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम अपने आते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, सपोज दैट कोई एक वायर है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे अगर हमको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो एक तरीके से हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल इसके बीच में जो चार्ज है लगने वाला चार्ज अपान इस वायर की लेंथ। टोटल चार्ज अगर हमने मान लिया क्यू लग रहा है, अगर कैपिटल क्यू मान लिया तो ये हो जाएगा क्यू अपान एल, उसकी लेंथ, उस बॉडी की लेंथ। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, क्योंकि एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है चार्ज की और एल की लेंथ की मीटर, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर। ओके, एसआई यूनिट यह है कंटिन्यूअस चार्ज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन लीनियर ऑफ बॉडी। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसकी लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एक कोई सरफेस एरिया अगर ऐसा दे दिया जाए उसके अंदर चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं तो उसमें टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी हो जाएगी इसके अंदर फ्लो करने वाले चार्ज अपान इस सरफेस का टोटल एरिया। ये फार्मूला आप पुट करेंगे अगर आपसे पूछता है सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्यों अपान ए। चार्ज की यूनिट हमने बताया क्या होती है कूलाम्ब और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो हो जाएगी कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तीसरा हमारा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स एक तरीके से हम इसकी डेंसिटी निकालते हैं टोटल चार्ज अपॉन इस बॉडी का वॉल्यूम। कुछ इस तरीके से अगर बॉडी है, अगर इसके अंदर कुछ चार्जेस इस तरीके से वर्क कर रहे हैं तो इनके अंदर अगर हम वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो क्यू अपॉन बी, क्यू मतलब चार्ज और बी मतलब उसका वैल्यूम, तो इसकी एसआई यूनिट जो निकल के आएगी वो होगी कूलाम्ब अपॉन मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये एसआई यूनिट इसकी हो जाएगी, इसको आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो करते हैं लेमडा से। ओके, इसको कैसे डिनोट किया जाता है लेमडा से। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसको शो करते हैं सिग्मा से, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ये देख रहे हैं ना। और जो लास्ट वाला है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसको शो करते हैं रो से, जो रेजिस्टिविटी होती है कुछ इस तरीके से। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लिया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन पे जाके लाइक करें वीडियो को, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम वहाँ पर आपको आपके जवाब देंगे। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप हमको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस थ्योरम क्या होती है और उसके यूजेस क्या क्या हैं, उसके मेन प्रिंसिपल क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस पूरे के पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक ख़ास बात कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे की अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।